जी बेटा, मुझे बता दें काइंडली मैसेज करके कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। और बेटा आज हमने चार टॉपिक्स के एमसीक्यूज करने हैं। सबसे पहले मैं केमिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करूंगा, और इक्विलिब्रियम में ये पहला वाला क्वेश्चन जो है ये इक्विलिब्रियम से नहीं है, ये असल में मोल से रिलेटेड है। चलें पहले इसको कर लेते हैं, देन आगे हमारे पास इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम के बाकी 9 एमसीक्यूज होंगे, पहला मोल से रिलेटेड है, चले इसको भी कर लेते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, अ सैंपल ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व इन 500 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्टिल्ड वाटर, और उसमें से उसने 25 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया है सॉल्यूशन और उसको टाइट्रेट किया है सल्फ्यूरिक एसिड से फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। सल्फ्यूरिक एसिड की ये कंसेंट्रेशन है और ये वॉल्यूम यूज हुआ है। तो सबसे पहले बेटा जो आपने काम करना है, इसकी इक्वेशन लिखें, K2O plus H2SO4, it gives K2SO4 plus water. ये रिएक्शन हो रहा है। दोनों के मोल्स निकाल लें, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकालने हैं, ये कंसेंट्रेशन और ये वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर और डिवाइडेड बाय 1000 कर, ठीक है। तो आपके पास जी मोल्स आ जाएंगे किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। तो कैलकुलेटर बेटा आप लोग अपने हाथ में रखिएगा, 1.5 टाइम्स 20 डिवाइडेड बाय 1000, 0.03 मोल्स आ गए सल्फ्यूरिक एसिड के। और K2O के कितने मोल्स होंगे जी, ये भी आप निकाल लें। K2O के जो बट एक K2O के बेटा जो मोल्स हैं वो हम यहाँ पर निकालते हैं, और वो आप कैसे निकालेंगे देखें, आपके पास K2O जो है वो उसने वॉल्यूम लिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम उसने आपको बताया हुआ है 25, और मोल्स अभी आप हम खुद निकाल लेते हैं। इक्वेशन में देखें जरा मोलर रेशियो क्या आ रही है जी, 1:1 है, तो इसका मतलब है कि K2O के मोल भी 0.03 होंगे, ठीक है जी। और आपने कितना वॉल्यूम लिया, ये बात जेहन में रखिएगा, वॉल्यूम आपने लिया हुआ है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर जो आपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया है, ठीक है। और क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि बताएं इस 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर के अंदर कितना K2O आपने डिसॉल्व किया होगा। तो अब बेटा देखें यहां से आप स्टार्ट कर लें इसको सॉल्व करना, कि 25 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर जो K2O के मोल है वो 0.03 है, ठीक है। तो 500 के अंदर कितने होंगे भाई, 500 के अंदर, तो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर में जो मोल्स होंगे K2O के वो x होंगे। तो यहां से बेटा हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 500 टाइम्स 0.03 डिवाइडेड बाय 25। तो ये आपके पास आ रहे हैं जी 0.6 मोल्स ऑफ K2O, कितने वॉल्यूम में, इन 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपने बताना है व्हाट इज द मास ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड वाज ओरिजिनली डिसॉल्व, कितना मास डिसॉल्व किया गया है। तो अब आप बेटा जो आप फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम आवर एमआर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी इसमें, मोल्स हमारे पास हैं 0.6, मास इन ग्राम आपने फाइंड आउट करना है, एमआर। K2O का फॉर्मूला मास कितना होता है आप कैलकुलेट करें बेटा, पोटेशियम 39 टाइम्स 2 प्लस 16 तो 94 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने मास निकालना है, तो 0.6 टाइम्स 94 आप करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 56.4। तो आपके पास जो बेटा यहां पर क्लोजेस्ट आंसर है वो डी आ रहा है, ठीक है। ये मोल से रिलेटेड असल में क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, अ डायनामिक इक्विलिब्रियम वाज सेट अप बिटवीन द कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन एंड मेथनॉल इन अ 2 क्यूबिक डेसीमीटर सील्ड वेसल एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, ठीक है। और द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस प्रेजेंट वाज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, ये उसने बेटा बता दिए आपको कि इक्विलिब्रियम पर ये मोल्स आ रहे हैं। और आपने Where has the equilibrium shifted और कैसे निकालना, देखें इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 इट गिव्स CH3OH
इसके जो इक्विलिब्रियम मोल है ना वो तो उसने आपको बता दिए। कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं 6.20 टाइम्स 10^-3। हाइड्रोजन के कितने हैं 4.80 टाइम्स 10^-3। मेथनॉल के कितने हैं 5.20 टाइम्स 10^-5। अच्छा जी, अब देखें आपने केसी के अंदर कंसेंट्रेशन पुट करनी होती है ना, तो ये मोल्स हैं। कंसेंट्रेशन पे कैसे जाते हैं, कंसेंट्रेशन की यूनिट याद कर लें, मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो वॉल्यूम कितना है जी यहाँ पर 2, इन सबको 2 से डिवाइड करें ना तो आपके पास कंसेंट्रेशन आ जाएगी। बेटा जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा 0.0031। 4.80 टाइम्स 10^-3 को 2 से डिवाइड किया 0.0024। बेटा आप लोग साथ साथ करेंगे तब इसका फायदा, सिर्फ सुनने से आपको नहीं आएगा, मेरे साथ आप लोग खुद भी करेंगे, ठीक है सॉल्व। और 0.0026 ये बेटा आपके पास कंसेंट्रेशन आ गया, राइट। अब आप इसको केसी के एक्सप्रेशन में पुट करें और आंसर निकालें। इफ द आंसर इज ग्रेटर देन 1 इट मींस कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। तो केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा जी इसके लिए, केसी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ मेथनॉल डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर। इनके बेटा वैल्यूज लें आप, CH3OH आ रहा है 0.000026 और कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है 0.0031, 0.0024 का होल स्केल। हाँ जी बेटा, कोई बच्चा इसको सॉल्व करे, हरिए जल्दी से सॉल्व करें जी, कोई बच्चा इसको मुझे व्हाट्सएप करे कि क्या आंसर आ रहा है। 0. कैलकुलेटर आपके पास होगा ना, 0.000026 डिवाइड करें इसको 0.0031 टाइम्स 0.0024 का होल स्केयर, 14.56 आ रहा है जी। ओके बेटा, ये जो 14.56 आ रहा है ना, अब ग्रेटर देन 1 है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा, तो ऑप्शन डी इज द आंसर, ठीक है जी, डी आपका आंसर होगा, ठीक हो गया। अब आ जाए आगे, देखिए इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, उसने आपको मोल्स बताए हुए थे, आपने बस सॉरी ये मोल्स बताए हुए थे, मोल्स को आपने कंसेंट्रेशन में कन्वर्ट किया कैसे, वॉल्यूम से डिवाइड करके, वॉल्यूम गिवन था और फिर बेटा आपने जो कंसेंट्रेशन आई है उसको केसी के एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। गैसियस रिएक्टेंट ए एंड बी रिएक्ट टू फॉर्म अ गैसियस प्रोडक्ट सी इन अ 1:3:2। अच्छा ये कहना चाह रहा है कि 1 मोल ऑफ ए है, 3 मोल्स ऑफ बी हैं एंड इट गिव्स 2 मोल ऑफ सी, ये बेसिकली रेशियो है इनकी, ठीक है। आपने लिए कितने भाई इनिशियल मोल, इन एन एक्सपेरिमेंट 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी आर यूज्ड, आपने 1-1 मोल लिए जी दोनों के, इसके भी एक लिया, इसका भी एक लिया, ये 0 लिया। And the reaction is heated until the equilibrium is reached. At equilibrium, only 10% of A had reacted. Change कितना है जी? Change in moles. Change in moles कितने आए हैं? वो कह रहा है कि सिर्फ 10% A ने react किया। तो जरा 1 का 10% निकालें ना, कैसे निकालते हैं? 1 × 10 / 100 तो क्या आएगा जी? 0.1. 0.1 10% है 1 का। तो 0.1 ने react किया। तो 0.1 use हुए, right? अगर ए, अच्छा ए और बी में मोलर रेशियो 1:3, अगर ए जो है 0.1 यूज हो रहा है तो बी कितना यूज होगा? 0.3, है ना। और इक्विलिब्रियम मोल कितने आएंगे जी? 1 - 0.1, 0.9 आ गया, ये 0.9, ये आ जाएगा 0.7 जी। और देखें सी कितना बनेगा, जितना यूज हो रहा है उससे आपने देखना है, ए और सी में क्या रेशियो 1:2, तो ये 0.2 बनेगा, राइट। अभी आपके पास इक्विलिब्रियम मोल आ गए, अब आपने कंसेंट्रेशन पे जाना है, आप जरा गौर करें, वॉल्यूम इज गिवन 5 क्यूबिक डेसीमीटर, तो कंसेंट्रेशन आपने अगर निकालनी है तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। तो इसको बेटा 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो कंसेंट्रेशन आ रही है वो आएगी 0.18, इसका आएगा 0.014,
और ये आएगा 0.04, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, अब केसी के एक्सप्रेशन में पुट करें और आंसर निकालें। केसी इज इक्वल टू सी का स्क्वायर है ए और ये बी का क्यूब, तो केसी इज इक्वल टू सी की क्या वैल्यू है 0.04 का स्क्वायर, ए का क्या है 0.18 और 0.14 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे विल गेट द आंसर, ठीक है। और यहां पर तो वो केसी पूछ भी नहीं रहा, हमने तो चले बहुत आगे चलेंगे, वो तो सिर्फ आपसे ये पूछता था, लेकिन अगर केसी पूछेगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बाइंड टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, Hb यहां पर हीमोग्लोबिन को बता रहा है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 6.7। अच्छा, इक्विलिब्रियम पर ना ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बता दी उसने 6.7 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 6 एंड इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ Hb एंड HbO2 4 आर द सेम। अच्छा, कह रहे हैं इन दोनों की सेम है, इक्विलिब्रियम पर आपको ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बता दी है और Hb के नहीं बताई हीमोग्लोबिन की, तो आप क्या करेंगे भाई, आप ना या ऑक्सीजन से हेल्प लें, जरा इक्वेशन को देखें कि हीमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में मोलर रेशियो क्या है, 1:4 है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन 6.7 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 6 एट इक्विलिब्रियम पर है तो हीमोग्लोबिन की कितनी होगी, उसके 4 टाइम्स लेस होगी ना, क्योंकि इक्वेशन में रेशियो 4:1 है। तो बेटा इसको 4 से डिवाइड कर दें सिंपल, ये जो आपके पास 6.7 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 6 है ना, इसको आप 4 से डिवाइड करें। जब आप इसको बेटा 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास Hb की कंसेंट्रेशन मोल्स आ जाएंगे एट इक्विलिब्रियम 1.675 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 6 और जो हीमोग्लोबिन की है वही इसकी भी है, तो 1.675 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 6। ये देखिए बेटा, ये आपको समझ आ गई मैंने इक्विलिब्रियम कैसे निकाला है। अब यहां पर देखें वॉल्यूम की बात नहीं की हुई ना, तो वॉल्यूम इसका मतलब उसने वन ही रखा हुआ, वॉल्यूम बताया नहीं है, तो यही आपकी कंसेंट्रेशन भी होगी। अब आप सिंपल क्या करें, केसी का एक्सप्रेशन लिखें HbO2 4 डिवाइडेड बाय HbO2 4 का आयनिक पावर। अब ये देखें जी इसकी वैल्यू क्या है, 1.675 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 6, 1.675 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 6 और 6.7 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 6 का 4 टाइम्स आपने ऊपर कर लिया जी। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे विल गेट द आंसर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना कैलकुलेटर पर तो आपके पास आंसर आएगा 4.9 टाइम्स 10 रेज टू पावर 20, 4.9 का मतलब है 5। फिर देख लें उसने हमें क्वेश्चन में ऑक्सीजन के इक्विलिब्रियम मोल बताए, मैंने हीमोग्लोबिन का कैसे निकाले, डिवाइडेड बाय 4 करके ऑक्सीजन के मोल को 4 से डिवाइड किया और जो हीमोग्लोबिन के होंगे उसने क्या है कि हीमोग्लोबिन के और जो दूसरा कंपाउंड है HbO2 4 उसकी जो इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन है वो सेम, इसलिए दोनों की फिर एक जैसी आ रही है, ठीक है। अच्छा, अगर आप कहती हैं इसमें एक और भी है, अगर आप कहते हैं नहीं जी हमें ये कैसे पता चला कि इसका हाफ, आप इसका हाफ ना भी करें ना, इसका हाफ आप ना भी करें, ठीक है, आप हाफ ना करें, ये लें, अगर आप कहते हैं जी कि हम इसका हाफ नहीं करते, तो आप एक चीज नोट करें, केस इज इक्वल टू HbO2 4 HbO2 4 देखें इन दोनों की कंसेंट्रेशन सेम बताई है उसने, इन दोनों को काट दें, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बताया ना आपको 6.7 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 6, तो ये कर लें, ये ज्यादा अच्छा है, ये मेथड ज्यादा अच्छा है जो मैंने अब बताया आपको कि इसमें आपको मतलब 4 से डिवाइड ना करें आप, बस क्योंकि उसने आपको बता दिया हीमोग्लोबिन और Hb की कंसेंट्रेशन सेम है तो जो ऊपर वैल्यू होगी वही नीचे होगी, इसको काट दें और ये 1 डिवाइडेड बाय 6.7 टाइम्स 10 रेज टू माइनस 6 का 4 और इसको आप सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपके पास एक नई चीज है वो ये कि इसमें एक सॉलिड है, आपको पता है सॉलिड को आप केसी का एक्सप्रेशन का हिस्सा नहीं बनाते, ठीक है जी,
तो ये बात आपने ज़हन में रखनी। यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे भी, इक्वेशन है ए जी वन प्लस आयरन टू प्लस, इट गिव्स ए जी सॉलिड और आयरन थ्री प्लस एक्वस। इनिशियल मोल इसके कितने हैं? 1 1 जी। इनिशियल मोल इसके भी 1 है, इसके भी 1। चेंज या यूज और इक्विलिब्रियम मोल। अच्छा, इक्विलिब्रियम मोल वो किसके बता रहे हैं? कह रहे व्हेन इक्विलिब्रियम वाज एस्टैब्लिश 0.44 मोल ऑफ सिल्वर आयन, 0.44 मोल बच गए। तो यूज कितने हुए भाई? 1 माइनस 0.44 कर दें, आपके पास चेंज इन मोल आ गए, तो 0.56। ठीक है, देखें सिल्वर आयन में और आयरन टू में मोलर रेशियो 1:1 है, तो अगर सिल्वर 1 0.56 यूज हुआ है ना, तो ये भी 0.56 ही यूज होगा, तो 0.44। और ये बेटा बनेगा कितना? आयरन थ्री कितना बनेगा? 1:1 रेशियो, जितना यूज होगा उतना बनेगा, 0.56 बनेगा। सॉलिड के बारे में आपने क्योंकि केसी के एक्सप्रेशन में डालना नहीं है, उसको छोड़ दें। कंसेंट्रेशन निकालनी है भाई अब, तो कंसेंट्रेशन निकालने के लिए जो वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। बेटा वॉल्यूम यहाँ पर 2 है, तो को 2 से डिवाइड करते जाएं, तो आपके पास आ जाएगा 0.22, 0.22 और 0.28। इसको बेटा अब आप सॉल्व करेंगे, केसी के एक्सप्रेशन में इसको डालें। केसी इज इक्वल टू, ऊपर है आयरन 3 और नीचे है बेटा आपके पास आयरन 1, सॉरी सिल्वर 1 और आयरन 2। वैल्यूज पुट करें, आयरन 3 की वैल्यू है 0.28, सिल्वर 1 की वैल्यू है 0.22 और 0.2। पर इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 5.78। बी इज द आंसर। ठीक है जी, एक मिनट सर, मुझे एक मिनट दें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। जरा पढ़े एक मिनट, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं किया उसने, सिर्फ मैसेज जो है किलोग्राम्स में दे दिए। आप उनको मोल में कन्वर्ट करें, आप लोग बेटा खुद करेंगे साथ में, आप लोग खुद करें। पहले किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करें, मल्टीप्लाई बाय 1000, फिर एमआर से डिवाइड करें, मोल्स आ जाएंगे। तो ये देखिए बेटा, N2 3H2 it gives 2NH3। नाइट्रोजन कितना लिया हुआ है? 560। इसको जरा ग्राम्स में चेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा? 560,000 मोल्स निकालने हैं, डिवाइडेड बाय 28। हाइड्रोजन कितने लिए हुए हैं? 120 ग्राम्स में करें, मल्टीप्लाई बाय 1000 मोलर मास, आपने इसके मोल्स निकालने, डिवाइड बाय 2। इसके जरा मोल्स निकाल लेते हैं, तो इनिशियल मोल जो है नाइट्रोजन के जो मोल आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे पास 20,000। नाइट्रोजन के मोल हैं 20,000, हाइड्रोजन के मोल आ रहे हैं 60,000। चेंज कितना हो रहा है भाई ये भी देखते हैं अभी हम, और इक्विलिब्रियम मोल कितने आ रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इट कंटेन्स, when the mixture of gases reaches equilibrium it contains 96 kilogram of hydrogen, 96 kilogram, ठीक है जी, 96 kilogram hydrogen का मतलब है 96,000 ग्राम, और ना इसके जरा मोल निकाले ना, डिवाइडेड बाय 2 करके, तो आपके पास आ जाएगा 48,000, है ना? ये बड़ा, ये बात समझ आ रही है ना? ये यहाँ पर मैं इसके मोल निकाल रहा हूँ, ग्राम्स में करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 48,000। ये देखिए, ये बच गए, हाइड्रोजन के इनिशियल मोल कितने थे? 60, बच गए कितने? 48। 6 से क्यों करेंगे भाई? हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है? 2 होता है, 6 होता है। अली आबिद, मोलर में नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जेन में रखेंगे, अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम
डिवाइडेड बाय एम आर ऑफ वन मोल. ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एक मोल. एक मोल कंपाउंड का जो मोलर मास होता है उससे डिवाइड करते हैं जब भी मोल्स निकालने होंगे, सिक्स से नहीं करेंगे. ठीक है. अच्छा अब बेटा देखिए, आपके पास 60,000 इनिशियल मोल थे, इक्विलिब्रियम मोल जो है जो बच गए वो 48 है, यूज कितने हुए भाई? 12,000 हो गए. ठीक है. अच्छा इसी तरीके से अब देखें, 3:1 है. अगर हाइड्रोजन के 3 मोल यूज होना है तो नाइट्रोजन का 1 मोल यूज होता है, उसके 3 गुना कम. अगर हाइड्रोजन के 12,000 यूज हो रहे हैं तो नाइट्रोजन 4,000 यूज होगा. तो इसके इक्विलिब्रियम मोल कितने बचे भाई? 20,000 माइनस 4,000, 16,000. अब अमोनिया कितना बना वो यूज होने से पता चलता है, कितना यूज हो रहा है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन और अमोनिया में मोलर रेशियो 1:2. जितना नाइट्रोजन यूज होगा अमोनिया डबल बनेगा. नाइट्रोजन यूज हो रहा है 4,000 तो अमोनिया बनेगा 8,000. ये इक्विलिब्रियम मोल आ गया. अब आपने इसको कहीं वॉल्यूम देखे, वॉल्यूम दिया हुआ है उसने, नहीं दिया हुआ तो यही आपकी कंसंट्रेशन है. केसी के एक्सप्रेशन में डालें और आंसर निकालें. सॉरी वो केसी नहीं पूछ रहा, अगेन वो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया डज इट कंटेन. बेसिकली वो मोल्स नहीं, यहाँ मैस बेटा, यहाँ मैस होगा. ठीक है, मोल्स तो आपने निकाल ली. अब जरा आप ना मैस निकालें, मैस ऑफ अमोनिया. मैस कैसे निकालेंगे भाई? ये जो आपने 8,000 निकाला है ऊपर मोल्स इनटू 17 मोलर मैस से मल्टीप्लाई करें. अमोनिया का मोलर मैस कितना होता है? 17 होता है ना. ये वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस इन ग्राम अवर एम आर. इसको जरा मल्टीप्लाई करें, 8,000 टाइम्स 17 तो 1.36 टाइम्स 10^5 ग्राम्स. ठीक है, ये आपके पास आंसर आ रहा है 1.36 टाइम्स 10^5 ग्राम. तो सी इज योर आंसर. वो बेसिकली मोल नहीं पूछ रहा यहाँ पर, वो मैस पूछ रहे हैं. इसको करेक्ट कर लो. अच्छा अब आगे आ जाइए जी, नेक्स्ट उस पर. क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस if the equilibrium was established during the Haber process is plotted against the operating pressure of two temperature 400 and 500. acha dekhiye aapko na yahan par ek cheez ab zehen nishin karni hai, wo ye aapko yaad rakhna hai ki jo ammonia hai na Haber process mein wo aapko ye exothermic reaction show karta hai. ye aapko yaad rakhna N2+3H2 it gives ammonia plus heat. ठीक है, ये exothermic reaction है, ये आपको याद रखना कि forward reaction is exothermic. अब देखें वो कह रहे हैं percentage yield of ammonia produced if the equilibrium was established during the Haber's process plotted against the operating pressure for two temperature 400-500. अब अगर आपको ये नहीं पता होगा ना कि ammonia formation is an exothermic process तो आप answer नहीं दे सकेंगे. ये अगर आपको पता होगा तब आप इसका answer दे सकेंगे. आपने बताना है कि कौन सा graph जो है वो ठीक plot हुआ है. ये आपको पता है कि ये जो है ना exothermic reaction है. अब बेटा देखें, जब भी exothermic reaction में जितनी आप heat को निकालेंगे ना, जितना आप temperature कम करेंगे रिएक्शन मिक्सर का, उतना रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा. आपको ये सबको ये पता है ना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बाय डिक्रीजिंग द टेंपरेचर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, कि टेंपरेचर के कम करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म. तो बाय डिक्रीजिंग द टेंपरेचर मोर अमोनिया इज फॉर्म्ड. दो टेंपरेचर वो दे रहा है 400 एंड 500. आप जरा देखें कि कहां पर ज्यादा अमोनिया बनना चाहिए. डेफिनेटली 400 पे बनना चाहिए क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. तो जितना टेम्परेचर कम करेंगे, देखिए आप यहाँ से जितना टेम्परेचर निकालेंगे, जितनी हीट कम करेंगे, उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और मजीद हीट जनरेट करेगा. ठीक है, ताकि उस इफेक्ट को काउंटर कर सके जो आप उसमें चेंज ला रहे हैं, उसको काउंटर किया जा सके. तो इसलिए एट लो टेम्परेचर मोर अमोनिया इज फॉर्म. तो देखिये आपके पास किस ग्राफ में कम टेम्परेचर पर ज्यादा अमोनिया बन रहा है. एक तो आपको ग्राफ ए नजर आ रहा है ना, जरा दूसरा फैक्टर भी देख लेते हैं. ये देखिए ना, परसेंटेज ऑफ अमोनिया 400 पर ज्यादा अमोनिया बन रहा है और 500 पर कम बन रहा है. दूसरी बात अगर आप नोट करें कि प्रेशर के लिहाज से भी वो पूछ रहे हैं कि प्रेशर के बढ़ाने से क्या होगा.
रिएक्टेंट वाली साइड पर कितने मोल है? 4 मोल. प्रोडक्ट वाली साइड पर 2 मोल्स है. तो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. जितना प्रेशर बढ़ाएंगे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड पर जाएगा. तो प्रेशर के बढ़ाने से रिएक्शन उस साइड पर जाएगा जहां मोल्स कम है. मतलब ये हुआ कि प्रेशर के बढ़ाने से अमोनिया मजीद बनेगा. तो अब आप जरा देखें, अगर आप ए को देखें, ए को, तो ए में क्या हो रहा है बेटा? ए में आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ये देखें, इस प्रेशर पर 10 पर देखें, ये अमोनिया बन रहा है और यहाँ पर ये अमोनिया बन रहा है. तो 400 डिग्री लो टेम्परेचर पर अमोनिया ज्यादा बन रहा है और हाई प्रेशर पर भी अमोनिया ज्यादा बन रहा है. जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना बेटा इस साइड पर, ये देखिए ये लाइन बढ़ रही है ये वाली. अच्छा अब दूसरे देखिए ना, ये सी और डी में क्या हो रहा है? प्रेशर के बढ़ाने से वो अमोनिया कम कर रहा है भाई. प्रेशर के बढ़ाने से अमोनिया कम हो रहा है, तो ये सी और डी रॉन्ग है कि प्रेशर बढ़ रहा है तो अमोनिया कम कर रहा है. और बी क्यों रॉन्ग है? बी इसलिए रॉन्ग है कि वो यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना, हाई टेम्परेचर पर मोर अमोनिया बना रहा है, इसलिए बी भी रॉन्ग है. तो ए इज द राइट आंसर. अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 बेटा देखें. यहां पर वो कह रहा है कि इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट आर हीटेड separately, resulting in complete thermal decomposition. The minimum temperature for the reaction to occur is called TD. ठीक है जी. अब आपको पहले कार्बोनेट्स के बारे में थोड़ा याद रखना है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट. डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है. ठीक है जी. जितना आप नीचे आएंगे उतना आपको स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए. उसको तोड़ते हैं, आपको पता है क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो कह रहे हैं कि जो मिनिमम टेम्परेचर है दैट इज टीडी. दी विच मेटल हैज दी हाईएस्ट, अच्छा दूसरी स्टेटमेंट बाद में पढ़ते हैं, पहले वो कह रहे हैं विच मेटल हैज दी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टीडी. किस मेटल को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए? मैग्नीशियम कार्बोनेट या स्ट्रॉन्शियम जो नीचे आ रहा है? इसका मतलब है ए और बी में से कौन होगा. स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए. अब आगे देखिए ये कह रहा है द कोल्ड रेजिड्यू, ये जो रेजिड्यू बना है ना आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड या स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड या बेरियम ऑक्साइड, ये रेजिड्यू कह रहा है इसको जब आप वाटर में डालेंगे एंड चेंज इन द पीएच इज मेजर्ड, द चेंज इन पीएच इज कॉल्ड डेल्टा पीएच, ग्रेटर वैल्यू ऑफ डेल्टा पीएच किधर होगी? तो एक है मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके पास और एक है स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड. दोनों को वाटर में डालें, आपको पता है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं ना उनकी सॉल्युबिलिटी भी हाइड्रोक्साइड्स की तरह बढ़ती है डाउन द ग्रुप. तो ये बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड. तो सॉल्युबिलिटी स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा है, इट विल प्रोड्यूस मोर ओएच आयन इन द सॉल्यूशन. तो बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाए बेटा. क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना बेटा, मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो में अपलोड किया हुआ है, लेकिन मैं जल्दी से यहाँ फिर करा देता हूँ, ठीक है? जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एक दफा. क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, उसने आपको एक रिएक्शन 1 दिया है और एक रिएक्शन 2, और रिएक्शन 1 का उसने आपको Kc की वैल्यू बता दी है. रिएक्शन 1 ये देखें, रिएक्शन 1 जो है ना उसकी Kc का एक्सप्रेशन ये है, ये मैं लिख रहा हूं नीचे, ए टू बी का स्क्वायर और इसमें Kc कितना है जी? 2 है. 2 का मतलब होता है 2/1 ना. अच्छा अगर आप रिएक्शन 2 को देखें ना और रिएक्शन 1 और 2 में अगर आप डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें, वो असल में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc इन रिएक्शन 2, के रिएक्शन 2 में Kc की क्या वैल्यू है. अगर आप 1 और 2 में डिफरेंस देखें तो आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है. 2 डिफरेंसेस आपको मिलेंगे. एक तो रिएक्शन 1 में जो आपके रिएक्टेंट थे वो रिएक्शन 2 में प्रोडक्ट बन गई, साइड स्विच हो गई. रिएक्शन 1 के रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन चुके हैं रिएक्शन 2 में. दूसरा डिफरेंस आपको जो मिलेगा वो हाफ मोल हो गया. एक रिएक्शन 1 को डिवाइड बाय 2 किया है तो रिएक्शन 2 बन गया. तो दो काम किए जी रिएक्शन 1 और 2 में, दो चीजों का डिफरेंस है.
रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गए, पहला डिफरेंस। और दूसरा दूसरा डिफरेंस बेटा ये हो गया है कि वहां पर रिएक्शन वन में आपने जो मोल्स यूज किए थे रिएक्शन टू में उसका हाफ किए। तो अगर आप रिएक्शन टू के लिए बेटा लिखें, अच्छा अगर मैं इस तरह करूं ना एक मिनट के लिए, रिएक्शन टू को स्विच नहीं करता, सिर्फ इसके मोल हाफ करता हूं। एक मिनट के लिए मैं सिर्फ मोल हाफ कर रहा हूं, ए टू हाफ मोल ऑफ बी टू ए टू बी। मैंने बेटा एक मिनट के लिए आप लोगों को समझाने के लिए मैं काम कर रहा हूं वो ये कि किस पोजीशन स्विच नहीं कर रहा, सिर्फ मोल्स को हाफ किए। तो इसका जरा मैं वो लिखता हूं केसी का एक्सप्रेशन, ए टू बी, ए टू और बी टू का हाफ। मैंने बेटा मैंने अभी इसके लिए लिखा है राइट, इसके लिए नहीं लिखा, इसको मैं काट रहा हूं। अब मुझे ये बताएं इन दोनों में क्या फर्क है। इन दोनों में फर्क ये है कि आपको ए टू बी का स्केयर नजर आ रहा है, यहाँ स्केयर नहीं है, ए टू का स्केयर नजर आ रहा है, यहाँ स्केयर नहीं है, बी टू वन है, यहाँ हाफ है। तो आप देख रहे हैं कि स्केयर का फर्क आ रहा है ना, स्केयर का फर्क आपको मिल रहा है। एक मिनट बस, ये जी। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि जी मैं इसको इस एक्सप्रेशन को जो आपके राइट साइड पर है, मैं इसको लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, तो आप कहेंगे सर आप स्केयर ले लें, स्केयर ले लें तो जो आपका ये रिएक्शन टू है ना ये रिएक्शन वन बन जाएगा, है ना। यही होगा ना, बाय टेकिंग स्केयर, बाय टेकिंग स्केयर। अगर मैं किसको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये जो रिएक्शन टू है इसको रिएक्शन वन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा ये, अगर मैं रिएक्शन वन को रिएक्शन टू में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, तो आप लोग कहेंगे टेकिंग अंडर रूट। क्या आपको अंडर रूट लेना होगा भाई, आप अंडर रूट लेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो ठीक हो जाएगा ना। एक मिनट बेटा, सर मुझे एक मिनट दें, मैं की जो है ना टेस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। अच्छा अब मेरी बात सुने, क्या अब आपके जहन में ये नहीं आ रहा कि यहाँ जो केस ही होगा वो ऐसे होगा अंडर रूट टू बाय वन, क्योंकि अगर मैं रिएक्शन वन को रिएक्शन टू में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे अंडर रूट लेना होगा। जब अंडर रूट लूंगा तो ये जो साइड होगी इसका भी तो अंडर रूट लूंगा ना, ये बात समझ आ गई। अब आ जाए बेटा इसकी स्विचिंग पर, असल में अब रिएक्शन टू को देखें, अब रिएक्शन टू को आप देखें जी, रिएक्शन टू तो इस तरह है कि जो जो ए टू बी है वो नीचे आएगा और ए टू प्लस हाफ बी टू वो ऊपर आएगा। अब अगर आप रिएक्शन टू को देखें तो ये पोजीशन स्विच हो रही है ना बेटा, तो इसलिए ये अंडर रूट टू बाय वन भी स्विच हो जाएगा, वन ऊपर आ जाएगा अंडर रूट टू नीचे आएगा। जरा देखिएगा मैं रिएक्शन टू को अब लिख रहा हूं, रिएक्शन टू जो है वो इस तरह लिखा जाएगा केस इज इक्वल टू ए टू बी टू हाफ और ए टू बी, ये बेटा होगा। अब मैं आपको एक मुख्तसर सी चीज बताता हूँ, गौर से सुनिए। अगर तो वो मोल चेंज ना करता, अगर एग्जामिनर बेटा मोल चेंज ना करता, मोल चेंज ना करता, जितने मोल ऊपर थे उतने ही नीचे होते, सिर्फ रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बनाता, तो फिर आपने क्या करना था, जिस तरह उसने टू लिखा हुआ है कि रिएक्शन वन के लिए जो के सी है वो टू है, तो रिएक्शन टू के लिए क्या होना था, वन बाय टू होना था। लेकिन उसने क्या किया कि पोजीशन स्विच करने के साथ मोल्स को हाफ किया, जब भी वो मोल्स को हाफ करेगा तो आपने अंडर रूट भी लेना, ठीक है। शॉर्टकट ये है कि आप अंडर रूट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मोल हाफ हो गए, और स्विच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन टू में रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट बन गए और प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट बन गए। फिर भी मैं इसकी जो जो डिटेल मैंने वैसे डिटेल में समझा दी है, लेकिन फिर मैं इसकी एक वीडियो जो है ना ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा बेटा अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10। The following equilibrium is set up in a mixture of sulfuric acid and concentrated nitric acid, which will correctly describe the behavior of each molecule within equilibrium. अब देखें आपके पास है जी ये, अब जरा इस रिएक्शन को देखें, H2SO4 किस में जा रहा है, HSO4 minus 1 में, तो ये एसिड है,
HNO3 किस में जा रहा है? H2NO3 में जा रहा है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, HNO3 से H2NO3 में चला गया, बेस है। अब बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, बैकवर्ड रिएक्शन में देखें कि HSO4 किस में जा रहा है? H2SO4 में जा रहा है, इट मींस, और H2NO3 किस में जा रहा है? HNO3 में जा रहा है। H2NO3 HNO3 में जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और HSO4 H2SO4 में जा रहा है, इट मींस कि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये बेटा इसकी नेचर है, आपने ये बताना था, H2SO4 एसिड, HNO3 बेस, HSO4 बेस, H2NO3 एसिड, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है बेटा, अब मैं नेक्स्ट बेटा टॉपिक